हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोग देखिए, आज मेरे पास सैमसंग J7 का एक फ़ोन है, SM J7 00F। तो आप लोग देख सकते हैं, इस फ़ोन का FRP बाईपास करने वाला हूँ। तो आप लोग देखिए, सैमसंग J7, तो अभी फ़िलहाल ये फ़ोन ओपन हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ये फ़ोन ओपन हो गया। तो आप लोगों को इंग्लिश सिलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश US। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप लोगों अपने फ़ोन को स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अपने फ़ोन को कोई भी एक वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट कर लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं मेरे फ़ोन को वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट कर लिया। तो कर लेने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पर टैप करना है। नेक्स्ट पर टैप करने के बाद और एक बार नेक्स्ट करना है, एग्री करना है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट, तो जस्ट सीन चेकिंग इन्फो। तो आप लोग देख सकते हैं, वेरिफिकेशन योर अकाउंट, वेरिफिकेशन योर अकाउंट मतलब आप यहाँ पर से ही ईमेल आईडी देंगे तो वो ये फ़ोन ऑटोमेटिकली FRP बाईपास हो जाएगा। तो मेरे पास तो ईमेल आईडी है नहीं, तो मैं अभी इसको बैक करके होम पेज पे आ जाता हूँ। तो आ जाने के बाद आप लोगों को स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को मोर पर टैप करना है, ऐड नेटवर्क पे टैप करना है। यहाँ पर आपको कुछ भी टैप कर देनी है, उसके बाद आप लोगों को लॉन्ग प्रेस करना है, गूगल असिस्टेंट पर टैप करना है। तो आप लोगों को गूगल ओपन हो जाने के बाद नो थैंक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को क्रोम क्रोम ब्राउज़र टैप करना है। तो आप लोग देखिए, क्रोम ओपन कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू पर टैप करना है, नो थैंक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर VN ROM FRP बाईपास, तो आप लोग देख ही सकते हैं, VN ROM बाईपास। तो आप लोगों को पहला वाला साइट को ओपन कर लेना है। तो आप लोग देखिए, ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। तो ऐप है, एक है एंड्रॉयड सिक्स को पहले मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। अलाउ, ओके। तो आप लोगों को और एक एप्लीकेशन FRP बाईपास, तो इसको भी डाउनलोड, तो मैं ऐड को क्रश कर देती हूँ। उसके बाद आप लोगों को FRP बाईपास को भी डाउनलोड कर लेनी है। तो आप लोगों को एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, तो आप लोगों को अलाउ पे क्लिक करना है, FRP बाईपास डाउनलोड, ओके। तो एक तो हो रहा है, और एक को कैंसिल कर देती हूँ। तो आप लोगों को ओपन पर टैप करना है, आपका फाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद पहले आपको Android 6 को इंस्टॉल कर लेनी है, तो इसको आप ओके कर दीजिए, इंस्टॉल आ गया। तो आप लोग देख ही सकते हो, गूगल अकाउंट Manager 6 से डाउनलोड हो रहा है। तो आप लोगों को डन करना है, डन करने के बाद आप लोगों को FRP बाईपास को इंस्टॉल कर लेना है, ओके करना है इंस्टॉल। तो आप लोगों को ओपन पर टैप करना है, उसके बाद आप लोगों को ऊपर 3 आई पर टैप करना है, ब्राउज़र सीन इन पे टैप करना है, ओके करना है। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कोई भी मेल एंड पासवर्ड डाल देनी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं, मेल डाल देने के बाद आप लोग को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी मेल का पासवर्ड डाल देनी होगी। मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, इसलिए हाइड करके रखा। तो पासवर्ड डाल देने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट करना है। तो अभी ये ईमेल आईडी सेट अप हो रहा है, तो आप लोगों को कुछ देर इंतज़ार कर लेनी है। तो सेटअप हो गया, तो आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेनी है।
तो फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है क्योंकि अगली वीडियो आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच सके। तो आप लोगों को स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को वाईफाई के माध्यम से नेक्स्ट को क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, एग्री करना है। तो आप लोग देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आप लोग देखिए आपका जो ईमेल आईडी है वो ऐड हो गया, नेक्स्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको भी आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। तो आप लोगों को नो थैंक्स पे क्लिक करना है या आपको स्किप करना है स्किप। तो आप लोगों को कुछ देर इंतज़ार कर लेनी है, तो उसके बाद आप लोगों को स्किप करना है स्किप। तो आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट करना है, एग्री करना है, नो थैंक्स पे क्लिक करना है यहाँ पर भी। तो आप लोग देखिए फिनिश आ गया। तो आप लोग भी इस मेथड के माध्यम से बहुत आसानी से FRP रिमूव कर पाएंगे। तो मैं अभी इसका एंड्रॉयड वर्शन आप लोगों को चेक करता हूँ कितना है। तो आप लोग देखिए इसका एंड्रॉयड वर्शन 6.0.1 है। तो फ्रेंड बाय, चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद। तो अभी मैं इसका डायल पैड भी ओपन करता हूँ, तो आप लोग देखिए सब कुछ सही है। बाय।